आगे बढ़ते लखनऊ से खबर है, एसपी ने राजस्थान में उतारे हैं प्रत्याशी। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी सपा ने अपने प्रत्याशी उतारे। राजस्थान की 5 सीट पर सपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, चाहे वो अलवर हो, धौलपुर हो, भरतपुर में अब सपा की एंट्री हुई है। पिछली बार भी सपा ने यहाँ से 5 सीट लड़ी थी 2018 में, खाता भी नहीं खोल पाई थी। INDIA गठबंधन में नहीं थम रहा है घमासान, कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है सपा, और इसी वजह से सपा ने राजस्थान की 5 सीट पर सपा के प्रत्याशी उतार दिए हैं। यहां तक कि पिछली बार यहां खाता भी नहीं खोल पाई थी सपा 2018 में, लेकिन फिर भी 5 प्रत्याशी उतार दिए हैं राजस्थान में सपा ने। और ऐसे में कहा जा रहा है कि INDIA में जो घमासान मचा है खासतौर से सपा और कांग्रेस के बीच, वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से कांग्रेस की अच्छी पकड़ है, अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर हैं और कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी, तो कहीं ना कहीं ये सेंध लगाने की कोशिश है ये माना जा रहा है। क्योंकि सपा ने यहाँ 5 प्रत्याशी उतार दिए हैं राजस्थान में, वो भी तब जब 2018 में सपा यहां पर खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का खेल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इसी वजह से सपा ने अपने 5 प्रत्याशी उतार दिए हैं राजस्थान के विधानसभा चुनाव में। तो बड़ी खबर, सपा प्रवक्ता अभिषेक राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी बहुत स्वागत है। अभिषेक जी, 2018 में सपा खाता भी नहीं खोल पाई थी, इस बार 5 प्रत्याशी उतार दिए हैं। देखिए, हम अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए प्रयासरत हैं और इसके लिए हम विभिन्न प्रदेशों में चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा संगठन है और हम वहाँ चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हम उसी की अपेक्षा में हमने क्या कहते हैं, अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं राजस्थान में। जो सीट हमें लग रही है कि मजबूत है, लड़ सकता है, तो वही सीजन करने की बात कर रहे हैं। तो अभिषेक जी, आपको लगता है कि क्या इस बार सपा यहाँ खाता खोल पाएगी? क्योंकि एक तरफ मध्य प्रदेश में देखा गया, वहां भी आपका बहुत अच्छा जनाधार नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, तो ये कहा जा रहा है आप कांग्रेस की सीटों पर खेल बिगाड़ना चाहते हैं, इस वजह से सपा प्रत्याशी उतारा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश में तो हमारा विधायक भी था, हमारे सिंबल पे इलेक्शन भी लड़ा था, अभी हमने गुजरात में भी हमारा विधायक है, महाराष्ट्र में भी हमारे विधायक हैं। तो हम कहते हैं राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए हम हर जगह प्रयास करते हैं, वो तो जनता जनार्दन का जो भी फैसला होता है वो हम स्वीकार करते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन अभिषेक जी, INDIA गठबंधन का क्या ये सिर्फ दिखावा था? क्योंकि आप चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, यहाँ बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। INDIA गठबंधन का कोई दिखावा हमारी तरफ से नहीं था, ये कांग्रेस ने खुद कहा, उनके प्रवक्ताओं ने कहा, उनके नेताओं ने कहा कि राज्य स्तरीय चुनाव पे ये गठबंधन लागू नहीं होता। ठीक है, अभिषेक जी हमारे साथ बने रहिए। अंशुल अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अंशुल जी स्वागत है आपका। अंशुल जी, 5 प्रत्याशी उतार दिए राजस्थान में सपा ने, क्या कहेंगे आप? देश का जनमानस देख रहा है, उत्तर प्रदेश का, जहां पर समाजवादी पार्टी मुख्य पार्टी है, और देश देख रहा है कि हम इंडिया गठबंधन को किस तरीके से आगे बढ़कर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और ये समाजवादी पार्टी किस तरह वो गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। हम तो सवाल ही नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों का सवाल है समाजवादी पार्टी से कि आप उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल हैं, मध्य प्रदेश में आप चुनाव लड़ते हैं और आप कहते हैं कि कांग्रेस को वोट मत दो, तो आप किसको वोट दिलवाना चाहते हैं? खुल के कहो ना, भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर अभिषेक, जवाब दीजिए। देखिये, मैं इन्हीं के नेताओं के, बड़े नेताओं की बात, अंशु जी के बड़े का बयान दे रहे हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के क्या कहते हैं, और सबसे पहले उन्होंने ये वॉर शुरू करी, वो कहते हैं कि सारी चीजें उन्होंने करी, फिर कमलनाथ जी का स्टेटमेंट आता है, फिर बाकी नेताओं का स्टेटमेंट आता है। हमें 6 सीटें देने का वादा किया था मध्य प्रदेश में, फिर इन्होंने कहा कि नहीं साहब, वो तो राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है, ये प्रदेश के चुनाव है। तो भाई, एक ही स्टैंडर्ड पे रहो ना, ये डबल स्टैंडर्ड की बात क्यों करते हो? या तो आप राष्ट्रीय लेवल पे गठबंधन हमसे कर रहे हो, हम राष्ट्रीय लेवल पे जब चुनाव आएंगे राष्ट्रीय लेवल के, तो हम उसमें आपसे गठबंधन पे हम रहेंगे, और जब प्रदेश लेवल की बात आप कह रहे हो कि ये प्रदेश लेवल का गठबंधन नहीं है, तो फिर आपके पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, ठीक है, डॉक्टर अभिषेक, अंशु जी से जवाब लेते हैं। अंशु जी, ये बार बार ये कहा जा रहा है कि आपने धोखा दिया, और अब ऐसा तो नहीं लगता कि कहीं अब इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, या फिर राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश में? हम तो वही बात बार बार कह रहे हैं,
कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोग सवाल कर रहे हैं कि आपका मध्य प्रदेश राजस्थान में कोई जनाधार नहीं है, लेकिन आप फिर भी वहां पर जो 60-65 सीटों पर लड़ रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं कि हम 230 सीटों पर लड़ेंगे, तो 230 सीटों पर लड़ के आप किसकी मदद कर रहे हैं? आप एक इंडिया गठबंधन जिसमें ये बात पहले से तय है कि हमारे बीच में कोई शर्त नहीं, लेकिन अंशु जी, डॉक्टर अभिषेक का ये कहना है कि जब 6 सीटों पर बात हुई थी तो वहां क्यों धोखा दिया गया उनके? मुझे आप बताइए, अब आप राजस्थान पे पूछ लीजिए, राजस्थान पे तो कोई बात नहीं हुई थी। देखिए, ये सारी बातें करके आप बच नहीं सकते। आप इस देश के संविधान को, इस देश के आम आदमी के अधिकारों को बचाने की लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं। आप कहते हैं कि हम गठबंधन में हैं और वहां आप कहते हैं कांग्रेस को वोट मत दो, तो क्या मतलब हुआ इसका? आप यानी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। इस देश में जो संविधान बचाना चाहते, जो आम आदमी के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, जो अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रहा है, आप उस लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं और आप झूठे ही कहते हैं कि हम उनके लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, जब से हमने लड़ाई शुरू की है, राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की निकाली है, हम चाहते हैं कि जितने भी समान विचारधारा के लोग हैं वो एक साथ आए। आप खड़े यहाँ होते हैं और मदद उनकी करते हैं, ये प्रदेश का जनमानस देख रहा है, जनता 2024। ठीक है, अभिषेक जी जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में, अभी इन्होंने बोला कि हमारा जनाधार नहीं, तो उत्तर प्रदेश में इनका क्या जनाधार है? हम इनके लिए अमेठी और रायबरेली क्यों छोड़े? अगर आप परसेंटेज देखें, इनके कितने विधायक हैं और हमारे कितने विधायक हैं, तो वो कहते हैं ना, अगर फॉर्मूला कोई अपनाते हैं आप, तो फॉर्मूला आप पे भी लागू होता है, फिर आप हमसे उम्मीद क्यों करते हैं? भाई, चित भी मेरी और पट भी मेरी, दोनों चीजें कैसे हो सकती है? ठीक है, ठीक है, डॉक्टर अभिषेक जी आप बने रहिए, अंशु अवस्थी जी आप भी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। विवेक जी, आप देखा जा रहा है, विवेक, ये दोनों ही घमासान मचा है कांग्रेस और सपा में। अब इसका खामियाजा ऐसा ना हो कि कांग्रेस को भुगतना पड़ जाए आपसे, क्या कहेंगे आप? और क्या अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जो मध्य प्रदेश में स्थितियां हैं, वो कांग्रेस वहां पर मजबूत स्थिति में थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार कर कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया है और ये जगजाहिर बात है। बहुत सारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, विश्लेषण करते हैं तमाम रणनीतियों का, उन्होंने भी ये बात साफ कर दी है कि अगर दोनों का गठबंधन हुआ था तो सीटों का एक मसौदा जो तय होता है वो पहले हो जाना चाहिए था। हालांकि ये बात कहां पर अटकी, ये जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है या समाजवादी पार्टी का जो टॉप लीडरशिप है वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन गठबंधन में जो दरार पहुंची है उसका खामियाजा निश्चित तौर पे कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भुगतना होगा। हालांकि राजस्थान की लड़ाई अलग है, राजस्थान में राज और रिवाज की लड़ाई चल रही है, राज कांग्रेस का है तो रिवाज भाजपा का बदलने के लिए वहां तैयारी चल रही है। सचिन पायलट जो युवा नेता के रूप में उभरे हैं, अगर समाजवादी पार्टी एंट्री करती है, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का थोड़ा बहुत आधार है भी, लेकिन राजस्थान में समाजवादी पार्टी अभी तक किसी भी जो वोट बैंक है उनका, उसको काउंट नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह से उंगलियों में काउंट नहीं किया जा सकता। ऐसे में वहां पर एंट्री करना, ये बात खुलकर आ गई है कि अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए अच्छी तरह से तैयार हो गई, कांग्रेस को टक्कर देने के लिए, फाइट देने के लिए, और पीछे हटने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव अपने भाषण में लगातार इस बात को कहते रहे और जो ठीक है, यानी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया विवेक, बहुत शुक्रिया अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिषेक, आपका भी।